The Wellness Show, sponsored by Heart UK, the cholesterol charity. वेलकम बैक टू द वेलनेस शो. जी हाँ, बात हो रही है हार्ट यूके के एम्बेसडर जो हमारे साथ हैं रहीम पटेल से, और उनसे हम बात कर रहे हैं. पर्सनल भी उन्होंने जो बताया है उससे हमें बहुत सी इंस्पिरेशन और बहुत सी हमें आइडियाज़ मिलते हैं कि कैसे अगर हम चाहें अपनी स्ट्रॉन्ग विल से हम अपने आप को बहुत जो है अपनी हेल्थ को अच्छा कर सकते हैं. आप अगर वेट की प्रॉब्लम है उसको भी कम कर सकते हैं, लेकिन ग्रेजुअल होता है. तो हम इनसे अभी यही बात करेंगे. पहले तो ये दैट्स द मोर इम्पोर्टेंट एक्चुअली क्वेश्चन, दैट व्हाट एग्जैक्टली, इवन लाइक दिस व्हाट आई वाज सेइंग टू यू बिफोर द ब्रेक, के क्या आप करते क्या है, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जिसमें आप हिस्सा लेते हैं, बिकॉज मैनी पीपल दे वुड नो कि क्या किस तरह इन्वॉल्व किया जा सकता है अपने आप को. We've got fundraisers where people can get involved. There's health activities and events that goes on as well that people can get involved with. I get involved with making videos and making people aware. Yeah, and you, there are some... Hello? Hello, assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Main Birmingham se bol rahi hu. Main doctor saab se ye puche ki mujhe high blood pressure hai. Doctor, assalamu alaikum. Ji, wa alaikum assalam. Acha. डॉक्टर साहब से ये पूछिए कि मुझे हाई ब्लड प्रेशर है एंड हाई कोलेस्ट्रॉल है जी. तो मैं हॉस्पिटल गई हूँ तो उन लोगों ने ना मेरे एक्सरे लिए, लेकिन मुझे पता है कि मेरे ना किडनी की प्रॉब्लम बन गई है जी. जी, तो मैं डॉक्टर साहब से ये पूछना चाहती हूँ कि हाई कोलेस्ट्रॉल और हाई ब्लड प्रेशर का क्या इलाज है और क्या खाना है, क्योंकि इस वक्त मुझे खांसी उसके साथ इतनी है कि मेरा गला भी ना खून आता है. जी जी, अच्छा नहीं, आई थिंक आपको एक बहुत अच्छी ओपिनियन की ज़रूरत है. खांसी कुछ ऐसी ब्लड प्रेशर की दवाइयों से भी हो सकती है, एस इनहिबिटर्स बोलते हैं उन्हें. तो आपको अपने जो जनरल प्रैक्टिशनर हैं या हॉस्पिटल के क्लिनिशियन हैं उनको ये रिपोर्ट करना चाहिए. और कोलेस्ट्रॉल के बारे में तो हम हर प्रोग्राम में बार बार सबको ये बात करते हैं कि इसको नीचे होना चाहिए. तो अभी आपको एक अपने लेवल्स पता करने चाहिए कि क्या लेवल्स हैं बेसलाइन आपके, और फिर उसके लिए क्या सिर्फ डाइट या एक्सरसाइज या लाइफस्टाइल चेंज ही काफ़ी होगी. अगर उससे भी बात नहीं बनेगी तो फिर हम आपके जो क्लिनिशियन हैं उन्हें आपको फिर स्टैटिन या कुछ जो दूसरी मेडिसिन हैं कोलेस्ट्रॉल की वो लेनी पड़ेंगी. लेकिन जो आजकल नाइस की हम बात करते हैं, नाइस गाइडलाइंस हैं, उसके मुताबिक जो प्राइमरी प्रिवेंशन है कोलेस्ट्रॉल की, उसके लिए कोई टारगेट्स नहीं होते. सिर्फ हम 1/3 एटलीस्ट फ्रॉम बेस लाइन अगर लेवल्स नीचे ले आए तो वो इनफ होता है. हाँ. तो आपको इन कंक्लूजन आपका सवाल का जवाब यह है कि आपको अपने डॉक्टर्स की हिदायत फॉलो करनी चाहिए, और अगर कोई दवाई सूट नहीं कर रही है तो उसको चेंज करना चाहिए. हाँ, लेकिन उनके साथ वो कह रही है किडनी की भी प्रॉब्लम है, साथ में बहुत कॉम्प्लिकेटेड केस और खांसी भी ऊपर से हो रही है उनको. तो आई थिंक शी शुड डेफिनेटली गो टू हर जीपी और कंसल्टेंट व्होएवर. तो अच्छा, एक और कॉलर हम ले लेते हैं. हेलो 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 Good morning. Good morning. Can you hear me? Yes, we can hear you. All right. Okay. My wishes has got a problem. She has thyroid. Okay. And she takes levothyroxine. Yeah. And every morning she takes grapefruit juice. Does it affect the medication? Well, sure. I think grapefruit juice की बात हो रही थी. I'm good that somebody has picked up on it. And लेकिन देखना ही पड़ेगा कि वो statin कौन सी ले रही हैं या बाकी कोई जो blood pressure की tablets हैं वो कौन कौन सी हैं. तो I think आप अपने GP से discuss कर सकते हैं और उनसे बिल्कुल particular focused advice आप ले सकते हैं कि जी ये medicines आप ले रही हैं वो, और क्या grapefruit juice इनके लिए ठीक रहेगा. Thyroxine के साथ कोई problem नहीं है as such. आई थिंक ऑल्सो मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर मेडिकेशन की बात है तो ऑब्वियसली डॉक्टर इज़ द बेस्ट, लेकिन अगर डॉक्टर से अपॉइंटमेंट नहीं मिली, योर फार्मासिस्ट इज़ वेरी गुड, बिकॉज फार्मासिस्ट दे हैव द ब्रिलियंट नॉलेज ड्रग्स के साथ कौन सी इंटरेक्शन होती है. सो बेस्ट थिंग इज़ गो टू योर लोकल फार्मासिस्ट एंड स्पीक टू हिम और हर के क्या ये मेडिसिन के साथ मैं ये वो ले okay, सकती हूँ. They have this kind of information. Absolutely. It's a very good suggestion. They're the experts. The pharmacists are the experts for. मैं ये नहीं कहती कि मेरा हस्बैंड फार्मासिस्ट है, लेकिन वैसे you know pharmacists do have you know they are trained for that. Okay, so there's another caller we have over here. Hello and good morning. Hello, good morning.
I'm from Manchester. I recently had an open heart surgery. I think I'm the only case in Manchester with leiomyomatosis. What I want to know is my cholesterol is high. I'm on warfarin. I'm on methotrexate. I'm taking aspirin. I was always 9.5 stone. I've put on a bit of weight as well. What's the best way for me to lose the weight and lower down my cholesterol? Thank you. Did she say that she's statin intolerant? Is she still on the line or gone? Are you still on the line? Can you please say again whether can you take statins properly? No, I'm not taking statin. I'm just taking warfarin. Right. And methotrexate. Right. Because I've developed a bit of arthritis as well. Aspirin. Yeah. So I think you have to discuss with your cardiologist whether statin is suitable for you or not, or whether you have tried statins before. And if obviously you have issues with statins, then alternative medication should be offered to you because you have grafts. And we don't want these grafts to block soon, you know. So obviously we would like you to have a long life of your grafts. But to reduce weight, I'm sure that you have to discuss with your cardiac rehabilitation team and have advice from the dietitians over there. You're more than welcome to call Heart UK for proper advice on diet. And that's what I would say. Hamari jo Heart UK ki website hai, agar aap, if you log on to that, you can have a look. There's lots of information, both diet and medication and lifestyle. Aur agar aap mere se baat karna chahte hain, to I'm there every Friday. Aap mujhse kar sakte hain, ya hamari jo specialist nurse hai, wo to Monday to Thursday wahan par phone line par hoti hai. And we can give you lots of information, aapki personal, for your personal lifestyle, not just general information, but it will be targeted, tailored to you as an individual. Ki aapke liye kaun si cheeze, as far as the diet, lifestyle is concerned, what would be best for you? और जहाँ तक कार्डियोलॉजिस्ट का ताल्लुक है, वो सब यही चाहेंगे, सर्जन्स भी और कार्डियोलॉजिस्ट भी, कि आपके जो ग्राफ्ट्स हैं उनकी लाइफ बहुत लंबी हो, और इन अदर वर्ड्स आपकी ज़िंदगी बहुत लंबी हो. तो उसको अचीव करने के लिए हमें ब्लड प्रेशर भी बिल्कुल ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा, और लेवल्स आपके कोलेस्ट्रॉल के देखने पड़ेंगे, ख़ासतौर पर LDL लेवल जो है. तो उसके लिए फिर जो प्रॉपर एडवाइस, तो आपकी पूरी क्लिनिकल हिस्ट्री देख के, क्योंकि आप मीथोट्रेक्सेट पर भी हैं, बाकी और ड्रग्स भी हैं, so I'm sure that you should seek help from your cardiac rehabilitation team. Mere khayal callers abhi bhi hain yahan par. Hello, assalamu alaikum. Main pehle baat aapse kar raha tha ye grapefruit ka taal hai, jiska jawab doctor sahab ne de diya hai. Ji, sirf jo cheez mujhe ye puchni thi, main aapke interest ke liye ek baat aur bhi bata dun. Jab main aisi general statin ke bare mein padh raha tha, to usme grapefruit ka zikr aaya tha. इसी सिलसिले में तो मुझे ये जस्तजू हुई कि आखिर वो कौन सी चीजें ग्रेपफ्रूट में जिसकी वजह से मना किया जा रहा है, इसे कुदरत ने रख दिया है. तो लगता है यही कोई ना कोई एलिमेंट स्टैटिन का उसके अंदर ग्रेपफ्रूट में है कि जो हमारे इस्तेमाल में फायदेमंद है. मुझे असली सवाल जो इस वक्त आपसे करना था, ये था कि ये जो आपकी ये आर्टिफिशियल स्वीटनर है, चूंकि आपने शक्कर का टॉपिक शुरू में लिया था, तो ये आर्टिफिशियल स्वीटनर के इस्तेमाल से कोई और इसके इफेक्ट्स होते हैं आपकी हेल्थ के ऊपर जनरली? इसके बारे में बात कर रहे हैं, जैसे एस्पार्टेम है और ये वो. अच्छा, ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर योर क्वेश्चन. जी, ये तो आपके लिए आर्टिफिशियल स्वीटनेस तो आजकल वेरी वेरी पॉपुलर हो गई है फॉर पीपल ट्राइंग टू कट डाउन ऑन द जनरल कैलोरी इनटेक. काफ़ी साल हो गए हैं, अमेरिका में बहुत बड़ी स्टडी की थी विच शोड के बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल स्वीट खाने से there's some link to cancer. Lekin unki jo study thi, it was based on large volumes of artificial sweetener, not jo hum is country mein khate hain. So it's not conclusive. So no, we're not talking about drinking Diet Coke, a couple of cans. We're talking about drinking liters and liters of pop with with aspartame or koi bhi sweetener. So my answer to you would be, agar aap artificial sweetener ki cheeze lete hain in small amounts, it's no big deal. There is no link up to now between artificial sweeteners and certain types of cancer. Okay, so going back to Rahim, because we just like inundated with calls.
talking about your personal dietary routine, जी. I mean, you said that you like curries and you naturally you can't just abandon all that lovely food, which we can't even can say that. So, आप मुझे ये बताओ कि how have you changed it? You know, say for instance, you are still eating curries, you're still eating roti and dosas and idlis and all that. So, आपने उसको क्या कैसे उसको modify किया है, क्या किया है? देखो, जैसे मैं बालरशाह से बात किया था ना पहले, तो वो क्या कहती है, write down everything जो मैं खाता हूँ. तो मैं लिख लिया, फिर मैं उसको पता, तो she worked out the calories. फिर वो क्या बोला कि she gave me a 300 deficit in my calories. तो ये मैं 10 वीक के लिए कंटिन्यू किया, तो 10 वीक ने मैं 10 किलोस लूज कर दिया विद दैट डेफिसिट. फिर मैं उसको दोबारा फ़ोन किया और दोबारा वो बोले कि क्या क्या खा रहे हो, फिर वो मुझे और डेफिसिट दिया और 550-600 का. तो फिर द वेट जस्ट केप्ट ऑन ड्रॉपिंग एंड ड्रॉपिंग. So that was very gradual, you know. Very over a year. And how much in average per week or per month? वो नहीं मालूम कि वो नहीं मॉनिटर किया, but you know. I mean, I normally advise that we should aim, or the individual should aim for 1 to 2 pounds per week. That's a sensible weight loss. We don't like very rapid weight loss because rapid weight loss का क्या होता है कि you're very likely to regain it. So it's important not to go on crash diets. Yeah. It's important to do gradual weight loss. So 1 to 2 pounds per week is really good. लेकिन कई लोगों ऐसे होते हैं कि पहले हफ्ते कुछ भी नहीं move होता, and they become really disheartened. We need to be patient. You have to remember, viewers, कि आपका अगर आपका वजन ज़्यादा है, it took many years to get there. Yes. So आप एकदम बिल्कुल, you're not going to go back to size 8, you know. You need to be patient. Bilkul. And that's where people lose the motivation. बहुत से लोग हमें यहाँ पे फोन भी जैसे करते हैं कि वो कहते हैं कि हमें बताइए कोई ऐसी हर्ब बताएं या कोई ऐसी दवाई बताएं जिससे रिड्यूस हो, लेकिन उससे अनफॉर्चुनेटली कोई ऐसी चीज है ही नहीं. यू नो, वी कांट जस्ट गिव यू कोई मिरेकल डाइट और मिरेकल पोशन जिससे आपको कुछ इस एकदम फायदा हो जाए, ऐसे होता नहीं. और जैसे आपने बोला कि ग्रेजुअल, इट वॉज रियली एंड इट रिक्वायर्ड अ लॉट ऑफ पेशेंस, लॉट ऑफ स्ट्रॉन्ग विल. जैसे अब आप कह रहे हैं कि आप मीठा तो मेरा ख्याल आप खाते चखते भी नहीं. But let me say this to you. It's been very, very easy. आप बोल रहे हो ना miracle cure. There is no miracle. It's so easy. Just look at what you're eating. अच्छा, you do the cooking. You told me that a little bit of cooking. What, how have you changed your cooking? Is it only fat you have reduced, or what else has been put in or taken out? थोड़ा fat तो चाहिए in curries. So we only use 1 tablespoon. In a family that of that big tablespoon. Credit goes to my wife. My wife, she's a brilliant cook, and she's really transformation the cooking. Okay, so for the whole family. For the whole family, it is benefiting the revolution whole family. In the kitchen, I suppose. Yeah. It's helping. Because you know, men don't cook that well anyway. सारे बड़े बड़े chefs जो हैं वो male हैं. एक और caller हमारे साथ हैं. Hello. Hello, assalamualaikum. Waalaikum salam. हेलो, मेरा अभी रिसेंटली बाईपास ऑपरेशन हुआ है, तो मैं जरा इस बारे में एडवाइस देना चाहता हूँ कि व्हाट डाइटरी प्रिकॉशन या एक्सरसाइज के मुतालिक अगर कुछ मुझे कुछ बतला सकें. जी, तो आप ये दो एक्सपर्ट्स यहाँ पे बैठे हैं, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ. आपके कितना टाइम हो गया बाईपास सर्जरी को हुए? More than 2 weeks, roughly 2 weeks. अच्छा, अभी तो सिर्फ 2 weeks हुए हैं. So we wish you a speedy recovery. और लेकिन इसके साथ साथ आप जी बिल्कुल नहीं बिल्कुल I think ये जो आपका inspiration है वो उसका level काफी high लगता है और ऐसे ही होना चाहिए. तो ये कम से कम आपको 6 to 8 weeks लगेंगे, proper healing होगी अभी जो आपके wounds हैं. तो फिर आपकी जो cardiac rehabilitation, मैं बार बार इसका पे emphasize करता हूँ और बात करता हूँ, आपको हॉस्पिटल की कार्डियक रिहेबिलिटेशन टीम के साथ कांटेक्ट करना चाहिए और वो खुद भी करेंगे वैसे. तो उसके बाद फिर ये होगा कि आपको ग्रेजुअली ग्रेजुअली वापस आना है. हार्ट जो है अब काफ़ी आपका, मैं अपने पेशेंट्स को कहता हूँ, अमीर हो गया, उसके पास काफ़ी सारा ब्लड है जिसमें ऑक्सीजन भी है. तो उसको थोड़ा सा इसको समझते हुए 6 से 8 हफ्ते लगेंगे. और अगर इस टाइम के दौरान आपको कोई थोड़े सिम्टम्स हों तो घबराना बिल्कुल नहीं है. और 8 हफ्ते के बाद फिर आप ग्रेजुअली वापस आएंगे आहिस्ता आहिस्ता. वॉकिंग और फिर डाइटरी चेंजेस जो हैं वो भी आपको लानी पड़ेंगी, जो शायद जिसकी वजह से जो बायस बनी है इस चीज़ का कि आपका बाईपास हुआ है. तो डाइट के बारे में थोड़ी बहुत जो क्विक एडवाइस जो यहाँ बैठ के हम आपको दे सकते हैं. पहली बात है तो ये इस सैचुरेटेड फैट आपकी डाइट में कौन सी चीज़ें, अगर सैचुरेटेड फैट
ज़्यादा लेते हैं तो उसको आपको कम करना पड़ेगा, लेकिन यू डोंट हैव टू स्टॉप फैट. जैसे रहीम ने कहा, वी नीड सम फैट. सो द आइडिया इज़ के आपके खाने में वी नीड टू चेंज द टाइप्स ऑफ फैट. बट स्पीक टू द रिहैब टीम. बिल्कुल ब्रीफली, आई थिंक जस्ट वन सेंटेंस, हैव आर यू स्टिल ऑन स्टैटिन एंड ऑल दोस टैबलेट्स व्हिच यू बीन टेकिंग? नो मेडिकेशन व्हाटसोएवर. नो मेडिकेशन, लवली, ग्रेट न्यूज़. या दिस इज, ये इसका मतलब है कि बहुत कुछ फ़ायदा हो सकता है अगर आप एक्शन लें, अपने हेल्थ का अपने हाथ में लें थोड़ा बहुत, और थोड़ा डॉक्टर से लें. तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ओवर हियर. थैंक यू सो मच बल्दीश एज वेल एज डॉक्टर नबील. वी जस्ट रन आउट ऑफ टाइम सो क्विकली. थैंक यू सो मच. एंड द वेलनेस शो स्पॉन्सर्ड बाय हार्ट यूके, द कोलेस्ट्रॉल चैरिटी.